ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाना चाहता हूँ। दिल्ली के कुछ स्कूली बच्चों ने देश के सामने एक मिसाल कायम की है। एक भैया साइकिल पे आ रहे थे और ऑटो वाले ने टक्कर मार दी थी उनको। ये हड्डी बिल्कुल अलग हो गई थी नीचे की, पैर उनका लटका हुआ था। तो उस ऑटो वाले ने पहले उठा के ऑटो में डाल लिया, कह रहा मैं हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा। तो हॉस्पिटल छोड़ने की जगह वो यहाँ कट पे आके उनने ऑटो खड़ा करा, चाबी निकाली और अपनी गाड़ी के कागज निकाले, वो भाग गया। बच्चों ने आसपास के लोगों से मदद मांगी। किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी, कोई रोक नहीं रहा था गाड़ी, वो बोल रहे थे कि हम फंस जाएंगे पुलिस में। लेकिन इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। उनका दर्द हमसे देखा नहीं गया, हमने बस यही सोचा कि इन भैया को जैसे तैसे बचाना है। इनमें से एक बच्चे ने ऑटो रिक्शा का हैंडल संभाला और बाकी के साथियों ने धक्का लगाना शुरू किया। भरी सड़क पर ऑटो को धक्का लगाते हुए वे समय रहते अस्पताल पहुंच गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि बेटा आप 10 मिनट भी लेट हो जाते ना तो इनकी जान चली जाती। बच्चों की सूझबूझ और इंसानियत ने घायल देवेंद्र कुमार दुबे को नई जिंदगी बख्शी। अगर बच्चे उस कंडीशन में नहीं होते तो मेरी जान बचने वाली नहीं थी, क्योंकि रोड पर किसी को कोई पूछने वाला है नहीं। देश के इन युवा नागरिकों ने हमें दिखा दिया कि सड़कों पर इंसानियत के इम्तिहान में खरा उतरना मुमकिन है।